सदन के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और तारीख है 25 जून। जी हाँ, 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लगाया गया था। इस बात को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी है कि वो बार बार पुरानी बातें कुरेद कर विपक्ष पर हमलावर होने का विफल प्रयास करती ही रहती है। इस बीच आज एक बार फिर पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर विपक्ष को घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को खरी खरी सुनाई। खड़गे ने कहा, देश भविष्य की ओर देख रहा है और आप अपनी कमियां छुपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित इमरजेंसी का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना और चुनाव से पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? मोदी जी कंसेंसस और कोऑपरेशन की बात करते हैं, पर उनके एक्शंस इसके विपरीत हैं। जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड करके देश के नागरिकों पर आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए तीन कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए, तब ये कंसेंसस शब्द कहां था? आपको बता दें कि खड़गे ने जिस कंसेंसस शब्द का इस्तेमाल किया, इसका अर्थ होता है सर्वसम्मति। खड़गे ने आगे लिखा, जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे कोने में स्थानांतरित कर दिया गया, तब ये कंसेंसस शब्द कहां था? जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर तीन काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने के लिए विवश कर दिया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये कंसेंसस शब्द कहां था? नोटबंदी हो, आनन फानन में लागू किया गया लॉकडाउन हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कानून हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिस पर मोदी सरकार ने कंसेंसस या कोऑपरेशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। विपक्ष को क्या, बीजेपी ने अपने ही नेताओं को अंधेरे में रखा। 17वीं लोकसभा में इतिहास में सबसे कम केवल 16% विधेयक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष गए और लोकसभा में 35% विधेयक एक घंटे से कम समय में पारित हुए। राज्यसभा में भी यह आंकड़ा 34% का है। लोकतंत्र और संविधान की दुर्दशा भाजपा ने की है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया है और हम देते रहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।